साल 2021 में नहीं बल्कि अगले साल शाहरुख खान बड़े पर्दे पर करेंगे धमाका। पठान फिल्म के रिलीज को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। जीरो फिल्म के बाद से ही बादशाह खान के फैन उनके चहेते सुपरस्टार की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और शाहरुख खान की अगली फिल्म है पठान। इस साल की पहली रिपोर्ट में बताया गया था कि शाहरुख खान की यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है, लेकिन बता दें कि शाहरुख खान की अगली फिल्म पठान अब साल 2021 में रिलीज नहीं होगी। पिछले तीन दिनों में जिस तरह एक के बाद एक नई फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हुआ, उसमें निर्माणधीन फिल्म पठान के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन शाहरुख के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी ये है कि अभिनेता निर्देशक आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का काम पूरा हो चुका है और इसकी रिलीज डेट जल्द ही घोषित होने वाली है। शाहरुख का इस फिल्म में शुरू से लेकर आखिर तक काफी दमदार रोल है। देशभक्ति पर बनी ये साल की मेगा बजट हिंदी फिल्म होगी। यशराज फिल्म्स की पेशकश पठान को इस प्रोडक्शन कंपनी की पिछली मेगा हिट फिल्म वॉर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मुंबई में यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में ही शुरू हुई और इसमें फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अभिनेता जॉन इब्राहिम फिल्म में विलेन के तौर पर दिखने वाले हैं। इस फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग विदेश में भी होनी है और इसमें यशराज फिल्म्स की टाइगर फ्रेंचाइजी की कहानी भी आकर जुड़ने वाली है। शाहरुख खान ने हाल ही में एक वीडियो जारी करके अपने प्रशंसकों से ये वादा किया था कि वह इस साल पर्दे पर जरूर दिखेंगे। तब लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि शाहरुख की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हो जाएगी, लेकिन दरअसल शाहरुख ने ये वादा कभी इस फिल्म के लिए किया ही नहीं था। शाहरुख की फिल्म पठान को इस साल पूरा करने की तैयारी यशराज फिल्म्स की जरूर थी, लेकिन इसके रिलीज की तारीख के बारे में अब जाकर ये साफ हो गया है कि ये फिल्म 2021 में रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म के लिए अब कोई बड़ा शुक्रवार खाली नहीं बचा है। इसीलिए फिल्म मेकर्स और शाहरुख खान ने यह फिल्म को अगले साल 2022 में रिलीज करने का फैसला किया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।